और अपने व्यवहार को लेकर ओपीएस भदौरिया ने सफाई दी है। जीतू पटवारी निराधार और झूठे तथ्य पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निराधार आरोपों से उन्हें गुस्सा आ गया। तो अपने व्यवहार को लेकर ओपीएस भदौरिया ने सफाई दी, कहा है कि निराधार आरोपों से उन्हें गुस्सा आ गया। जीतू पटवारी ने ओपीएस भदौरिया पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब भदौरिया की सफाई भी सामने आई है। मैं बड़े खेद के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर हमारे सम्मानित विधायक जीतू पटवारी जी बोल रहे थे, सारी बातें उनकी गैर तथ्यात्मक और अप्रमाणित हैं। मेरा आग्रह ये है कि जब हम इस अविश्वास प्रस्ताव पर सदन पे बात कर रहे हैं, तो जो भी बातें हमारे माननीय विपक्ष के विधायकों द्वारा रखी जाए वो कम से कम तथ्यात्मक हों, प्रमाणिक हों, जिससे सदन का वक्त जाया ना हो और जो वस्तुस्थिति है और जो सच्चाई है वो जनता के सामने आए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई ठोस मुद्दा है ही नहीं जो प्रदेश की जनता के हित में हो, मध्य प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल को, या मैं उनके जो अच्छे सुझाव आते हैं उनका भी स्वागत करूंगा, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इस अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में वो सदन का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, विधानसभा को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।